हे दोस्तों, सोनी विश्व के एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं CCL का FCT डिवाइस। तो पहले करेंगे इसको अनबॉक्स। तो दोस्तों, हमने अनबॉक्सिंग कर लिया है और जैसे कि आप देख सकते हैं बॉक्स के अंदर बॉक्स, तो ये बॉक्स तो हमें निकालना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, बॉक्स के साथ एक छोटा सा बिल वहाँ आया है और बॉक्स में है एक फिक्स्ड सेलुलर टर्मिनल। तो इसके बारे में थोड़ी सी मैं जानकारी दूंगा। अगर आपके पास ऑफिस या घर में इंटरकॉम है और उस इंटरकॉम को आपको टेलीफोनिकली कनेक्ट करना है पर आपको लैंडलाइन नहीं लेना है, उसी कंडीशन में आपको CCL का FCT काम में आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें GSM सिम लगेगा और इसकी बारे में बहुत सारे वीडियोस हम बनाने वाले हैं। अगर आपको कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है, तो आप कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दिखना ना भूलिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं MRP बहुत ही हेफ्टी है, पर इसको हमने बहुत ही बेस्ट डील में लिया है Amazon से। तो आइए चलेंगे, देखेंगे बॉक्स के अंदर क्या है। एक रिंकल वाला बिल्कुल ही वारंटी प्लस इंस्टॉलेशन गाइड, उसके बाद है एक फैंसी एंटीना। दोस्तों, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए कंपनी ने एंटीना भी यहाँ पे स्टिक करके दिया है। और ये है आपका FCT बोर्ड जो कि है वाइट कलर में। बहुत ही बड़ा डब्बा है ये, और जैसे कि आप देख सकते हैं इसका पीछे का पूरा पैनल खुला हुआ है। तो ठीक है, इसको अनबॉक्सिंग बाद में करेंगे, पहले देखेंगे और क्या क्या आया है। तो यहाँ पे है बड़ा वाला चार्जिंग एडाप्टर जिसका पावर है 12 वोल्ट 1 एम्पियर, और जो सॉकेट है वो नॉर्मल सॉकेट है। उसके बाद आपको मिलेगा ये। तो बहुत लोग इमेज से कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको टेलीफोन सेट या PBX कैसे कहेंगे। तो इसका एक्सटेंशन ये लगेगा आपको हर बार। तो ये जो एक्सटेंशन है ये यूज़ करेगा दो लाइंस, और इसी दो लाइन से आपको टेलीफोन चालू हो जाएगा, सिम कार्ड पे आपके फ़ोन आएंगे या फिर आप कर पाएंगे। तो दोस्तों, बहुत हुई जानकारी बॉक्स के बारे में, बॉक्स को हटा देंगे। तो प्राइमर फेस में इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। ये है इसका एंटीना, जो एंटीना आप घर के बाहर लगाएंगे जिससे कि आपको सिम कार्ड को फुल कवरेज आएगा। उसके बाद ये है FCT जो आपके सिम कार्ड का पूरा सिग्नल एक लैंडलाइन टेलीफोन जो है उसको कन्वर्ट करने के लिए काम में आएगा। इसको एक पावर अडाप्टर लगेगा जिससे इसको पावर मिलेगी, और ये स्पेशल कन्वर्टर है जो यहाँ पे उनकी जो पिन है स्पेशली प्रोप्राइटरी पिन, उसको लग के आपको सिग्नल दे पाएगा। इसका हैक भी हमारे पास है, वो बाद में हम दिखाने वाले हैं। तो चलिए इसके पॉलीथिन खोल के फाइनल लुक देख लेंगे। तो दोस्तों, मैंने वायरिंग कर ली है और जैसे कि आप देख सकते हैं ये है वॉल माउंटिंग प्लेट, और यहाँ आपको स्क्रू लगाने हैं। ये स्क्रू लगने के बाद आप इसको वॉल माउंट कर सकते हैं। वॉल माउंट करने के बाद ये इसमें इस तरह से अटक जाता है। ये ठीक से देखिएगा आप, इस तरह से अटक जाता है। यहाँ पे केबलिंग के लिए थोड़ी सी जगह है पर यहाँ पे होल नहीं है कोई, तो आपको ये होल गिराना होगा। आपके लिए थोड़ा सा प्लास्टिक यहाँ पे थिनर दिया हुआ है। वायर की कोई ज़रूरत नहीं थी वहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पे पैनल ये खुल चुका है। ये खुला हुआ पैनल क्यों है पता नहीं, शायद ये किसी और चीज़ के लिए भी यूज़ होता है। मैट फिनिश वाला है। यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए जगह छोड़ी है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये वायरिंग में दिखाना चाहूँगा आपको, ये है एंटीना की केबल जो कि डिटैचेबल नहीं है। ये टेलीफोन या PBX की केबल, या आप स्टैंड बाय एक ही, या फिर इंटरकॉम की टेल को आप इसका कनेक्शन दे सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है आपका 12 वोल्ट का DC सप्लाई। ये थी वायरिंग, चलिए इसे चालू करेंगे।
दोस्तों जैसे कि हमने देखा था इसमें बड़ा कार्ड ही लगेगा। तो सिम कार्ड बड़ा करने के लिए जब आप सिम कार्ड खरीदते हैं तो आपको ऐसा एक पूरा सॉकेट आ जाता है, तो इसमें आपको सिम डालना पड़ेगा। ध्यान रखिए प्रेस फिट वाला मामला है, तो यहाँ पे आपको प्रेस फिट करना है ठीक से, इसको मोड़ना बिड़ना नहीं है, नहीं तो सिम कार्ड टूट जाएगा। तो दोस्तों सिम कार्ड यहाँ पे लग चुका है और ये मैंने बना लिया है मोबाइल के सिम से वापस एक बार बड़ा सिम कार्ड। अब ये सिम कार्ड यहाँ पे जाएगा, तो इसको लॉक इधर है तो थोड़ा सा ऊपर करके प्रेस करेंगे। अब ये जो स्लॉट है यहाँ पे आपको ये इंसर्ट करना है। ये देखिए यहाँ पे लग चुका है ठीक से, ये परफेक्टली लगने के बाद आपको ये नॉच नीचे भेजना है और इधर सरकाते हुए लॉक करना है। तो अभी दोस्तों यहाँ पे लॉक हो चुका है और जैसे कि आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल सप्लाई हमने दे दिया है। तो ये था इसका अडाप्टर 12 वोल्ट 1 एम्पियर का। इसका जो पिन है वो हम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, ये पिन हमने लगा दिया है और यहाँ पे रन आ चुका है। अभी सिग्नल जो है ये इंडिकेटर अगर ऑफ होगा सिग्नल का तो नो सिग्नल आ रहा है, उसके बाद आएगा ब्लिंकिंग वाला जो कि है वीक, और अगर ऑन है तो सिग्नल ओके है। तक हम एंटीना देख लेंगे, एंटीना इसको लगाना है तो मैं इसको खिड़की में लगाने वाला हूँ। बहुत ही लंबी चौड़ी वायर है, आप देख सकते हैं यहाँ तक आ चुकी है और ये मैंने विंडो में रख दी है। तो अभी देखेंगे ये चालू हो रहा है कि नहीं। थोड़ी देर बाद यहाँ पे सिग्नल ब्लिंकिंग आ रहा है, मतलब सिग्नल वीक है। थोड़ा सा पोजीशन बदलना पड़ेगा जब आप इंस्टॉलेशन फाइनली कर ले, इसको जब आप इसको वॉल माउंट करने वाले हैं तब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पहले ड्राई रन कर लीजिए उसके बाद ही फाइनल इंस्टॉलेशन कीजिए। देखिए सिग्नल चला गया है अगर मैंने एंटीना अंदर लाया है तो एंटीना की सेटिंग होती रहेगी। पर सबसे इम्पोर्टेंट है आपको अभी ये अडाप्टर यहाँ पर लगाना है। हमारे पास है बीटेल का हैंडसेट जिसका नंबर है B11। अगर इसका रिव्यू आपको चाहिए तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक कीजिएगा, आपको इस टेलीफोन के भी रिव्यूज़ मिल जाएंगे। इसकी अनबॉक्सिंग हमने अभी रिसेंटली की है। अभी यहाँ पे एक सॉकेट लगाना है, आवाज़ आने तक आपको उसको पुश करना है, और इसका दूसरा जो एंड है वायर का। अभी लग चुका है, जैसे ही हमने टेलीफोन इसको लगाया है आप देख सकते हैं तो टेलीफोन में करंट पहुंच चुका है। अभी सिग्नल वीक बता रहा है थोड़ा सा, फिर भी हम एक ट्राई करेंगे। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं सेटअप रेडी हो चुका है। तो दोस्तों ये हो गया है नॉर्मल लैंडलाइन से कनेक्शन। अभी अगले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से आप इसको एक इंटरकॉम सेक्शन से जोड़ सकते हैं, तो पूरा वीडियो देखना ना भूलिए। हमारा एक प्लेलिस्ट भी है जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लीज़ पूरी प्लेलिस्ट को देख ले जिससे कि आपको इंस्टॉलेशन में आसानी हो। अगर आज आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिए। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, मैं विश्वजीत आप सबसे अभी विदा लूँगा।